आज हम 10th स्टैंडर्ड का हिंदी विषय के अंतर्गत स्पर्श भाग 2 में संत कबीर के बारे में पढ़ने वाले हैं। संत कबीर की साथी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संत कबीर कौन थे। संत कबीर भक्ति काल के एक बहुत ही प्रसिद्ध संत थे। वो निर्गुणवादी संत थे। उनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था। उनके जन्म के बारे में बहुत सारी कहानियां प्रसिद्ध है। एक कहानी तो ऐसी है कि उनका जन्म एक विधवा स्त्री से गर्भ से हुआ था और लोक लाज की वजह से वो उन्हें लहर तारा नाम के तालाब के पास छोड़ के चली गई थी और वहाँ नीलू और नीमा ये दो जुलाहा परिवार थे। उन्होंने उस बालक को उठाया और अपने घर पर लेके गए और उन दोनों ने उसका पालन पोषण किया। ये कहानी ऐसी है और ये कहानी ऐसी है कि लहर तारा नामक तालाब में एक कमल के पुष्प के ऊपर वो सबको दिखाई दिए थे। ये भी एक कहानी है। तो संत कबीर एक अपने भक्ति काल के सबसे श्रेष्ठ कवि थे। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ था जिस समय भारत देश में सामाजिक राजनीतिक धार्मिक उथल पथल मची हुई थी, उस वक्त उनका जन्म हुआ था। कबीरदास जी निर्गुणवादी संत थे। उनके राम निर्गुणवादी थे। और कबीर की भाषा के बारे में अगर पूछा जाए तो कबीर की भाषा में अवधी भाषा है, राजस्थानी भाषा है, पंजाबी भाषा है, भोजपुरी भाषा है। उनकी भाषाओं में पंचमेल दिखाई देते हैं, इसलिए उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। लेकिन कबीर की भाषा है सदुपकड़ी भाषा। तो आज हम कबीर के साखी भाग को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले उनका जो पद है वैसा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमारी जो बानी है यानी बोली, हमें हमेशा हमारी बोली अच्छी रखनी चाहिए। कभी भी किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए। और आपा का अर्थ होता है अहंकार, यानी हमें हमारे मन का जो घमंड है उसका त्याग करना चाहिए, अपने अहंकार का त्याग करना चाहिए। और बानी यानी बोली ऐसी मीठी होनी चाहिए कि सामने वालों को उससे शीतलता प्राप्त हो, जिससे हमारा भी तन मन अच्छा रहे और दूसरों को भी सुख प्राप्त हो, ऐसी हमारी बानी होनी चाहिए। दूसरा उनका पद ऐसा है, कस्तूरी कुंडली बैसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कुंडली का अर्थ होता है नाभि, बेली हमारी, और मृग का अर्थ होता है डियर यानी हिरण। तो क्या होता है, जंगल में हिरण कुंडली को ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन वास्तव में जो कुंडली है जो सुगंधित होती है वो उसके नाभि में ही होती है। ये हिरण को पता नहीं होता और वो उस सुगंध को प्राप्त करने के लिए पूरे जंगल में घूमता रहता है, लेकिन वो उसके नाभि में ही होती है। उसी प्रकार कबीर जी कहते हैं कि भगवान श्री राम हर मनुष्य के मन में बसे हुए हैं, घट घट में यानी कण कण में भगवान श्री राम बसे हुए हैं। और हम भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। भगवान हमारे मन में, हमारे हृदय में घट घट में बसे हुए हैं। ठीक है, अगला उनका पद ऐसा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। इधर मैं का अर्थ होता है अहंकार। कबीर जी कहते हैं कि जब मुझ में घमंड था, जब मुझ में अहंकार था, तब मुझे हरि यानी मुझे परमेश्वर नहीं मिले, मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। जब मुझ में अहंकार था तब मुझे भगवान नहीं मिले, घमंड हो तो भगवान नहीं मिलते। जो सारा अंधकार, जो मेरा अंधकार कब मिट गया, जब मुझे भगवान मिल गए, जब मैंने भगवान को पहचान लिया, तब मैं इस दीपक रूपी ईश्वर के मुझे दर्शन हुए। जब तक मनुष्य में अहंकार है, अहम भाव है, तब तक मनुष्य को ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकता। अगला उनका साखी ऐसी है, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। अरु यानी अज्ञान रूपी अहंकार। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के ये लोग ऐसे हैं, वो अज्ञान रूपी अंधकार से बेखबर होकर आराम से घर में सो रहे हैं। ये देखकर कबीर को दुख होता है। कबीर मानव का अज्ञान रूपी अहंकार देखकर उन्हें रोना आता है। कबीरदास जी कहते हैं कि अरे मनुष्य अभी तो जाग जा, दिन रात भगवान की सेवा कर, दिन रात भगवान की प्राप्ति के लिए जागते रहो, तभी हमें भगवान मिल सकते हैं। मानव में ईश्वर प्राप्ति के लिए जागना बहुत जरूरी है। अगली साखी उनकी ऐसी है, विरह भुवंगम तन वैसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बौरा हुई। विरह यानी बिछड़ने का गम, और भुवंगम का अर्थ होता है भुजंग यानी सांप, और बौरा का अर्थ होता है पागल।
जब आपके तन मन को सांप रूपी यानी भुजंग जो होता है, अगर आपके तन मन को भुजंग रूपी सांप ने अगर काट लिया है, तो उस सांप ने काटने के बाद उस पर कोई भी मंत्र कोई भी तंत्र काम नहीं करता। उसी पर कबीर जी कहते हैं कि जब हम ईश्वर से भी छूट जाते हैं तो हमें आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, वो मनुष्य बौरा होता है, मनुष्य पागल हो जाता है। इसलिए हमें ईश्वर की प्राप्ति करने का हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। उनकी अगली साखी ऐसी है, निंदक नेडा रखिए आंगनी कुटी बनाई, बिन साबन पानी बिन निर्मल करे सुभाई। नेडा का अर्थ होता है निकट और सुभाई का अर्थ होता है स्वभाव। कबीरदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है, वो कहते हैं कि हमेशा हमें निंदक को हमारे साथ ही रखना चाहिए। निंदक यानी कौन? निंदक यानी हमारी बुराई करने वाला, हमारी निंदा करने वाला, उसे हमेशा अपने पास ही रखना चाहिए। निंदक का घर हमारे घर के पास ही होना चाहिए, हमारे हमारे घर के पास ही उसकी कुटी बनवा देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि निंदा करने वाला क्या करता है, हमारी निंदा करता रहता है, यानी हमारी बुराइयां हमें बताता चलता है और हमें हमारी जो बुराइयां है वो दिखाई देती है। इसलिए निंदक को हमेशा हमारे पास ही रखना चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, बिना साबुन और बिना पानी के हमारे शरीर को स्वच्छ कर डालते हैं, हमें नहाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए निंदक को हमेशा हमारे पास ही रखना चाहिए, हमारा शरीर अपने आप निर्मल यानी स्वच्छ हो जाएगा। आगे कबीर जी कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ पंडित भया ना कोए, एके आशीर पीव का पढ़े सो पंडित हुए। कबीरदास जी ने देखो उस समय उन्होंने पंडितों पर भी प्रहार किया है। पंडित लोग दिन रात भगवान की पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, तो उन्हें वो कहते हैं कि अरे पंडित, पोथी बड़ी बड़ी जन्म हुआ, पोथी बड़े बड़े पुस्तक बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ पढ़कर आज तक जन्म में कोई पंडित नहीं बन सका। लोग बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर दुनिया बहुत सारे लोग मर गए लेकिन उन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है। ऐके आशीर पीव का पढ़े सो पंडित हुए। कबीरदास जी कहते कि अरे ईश्वर को अगर प्राप्त करना है तो ईश्वर का प्रेम एक अक्षर भी अगर तुमने पढ़ लिया, प्रेम का एक अक्षर भी पढ़ लिया तो आपको पंडित बन सकते हैं। ईश्वर प्रेम को सर्वोच्च मानते हैं, ग्रंथ को वो सर्वोच्च उन्होंने कभी नहीं माना। पुस्तकी ज्ञान से कबीर ने ईश्वरी प्रेम को महत्व दिया है। उनकी अगली साखी ऐसी है, हम घर जाले अपना लिया मुराडा हाथी, अब घर जालो तास का जो चले हमारे साथी। कबीर ने ज्ञान रूपी मशाल के बारे में बता दिया है, उन्होंने अज्ञानता को जला दिया है। वो कहते हैं कि मैंने अपने जो मोह माया रूपी घर है, जो मोह माया रूपी घर अपने हाथों से मैंने जला डाला है, अब मेरे हाथों में क्या है, मेरे हाथों में एक जलती हुई ज्ञान रूपी मशाल है, वो मशाल ज्ञान रूपी है, अब मैं उसका घर जलाऊंगा जो मेरे साथ जलना चाहते हैं, जो ज्ञान रूपी मशाल में जलना चाहते हैं। जो भगवान की ज्ञान रूपी मशाल को हाथ में ले लेंगे वो इस दुनिया की मोह माया से मुक्त हो जाएंगे, तो उन्हें हमेशा भगवान की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। कबीरदास जी के साथी में कबीर हमें यही बता रहे हैं कि हमें हमेशा भगवान की प्राप्ति ही करनी चाहिए। ठीक है, आज मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगा, तो प्रश्न आप लिख लीजिए, आपका ये होमवर्क है। पहला प्रश्न ऐसा है कि मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। दूसरा प्रश्न ऐसा है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते। तीसरा प्रश्न, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने कौन सा उपाय बताया है। और चौथा, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, इस पंक्ति का आपको अर्थ लिख के बताना है। तो आप ये प्रश्न के उत्तर घर पर लिखिए, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।